अब इसके गैप को इतना कम कर लिए हैं कि इसके अंदर आरी ब्लेड जो होता है एक्सो ब्लेड, ये इसके अंदर फिक्स जा नहीं रहा है। यानी 0.08 mm से लेकर 0.09 mm इसका गैप रख सकते हैं, जो हीरो के कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है। बाकी अलग अलग बाइक और अलग अलग स्कूटर में अलग अलग उसका जो है गेज होता है नापने के लिए। तो अब चलिए हम इतना गैप कम कर लिए हैं, अब इसके पिकअप कॉइल के जो वायर हैं इसको दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट बिना क्लच कवर लगाए बिना मैग्नेट कवर लगाए पहले गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं। तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं। ये लग गया, अब चलिए सेल्फ का उपयोग करते हैं। इसका बेंडिक्स ड्राइव जो यहाँ पे लगा हुआ है ये देखिए लग गया, अब सेल्फ का उपयोग करना। छोड़ो सेल्फ मारो, तो ब्रेक दबा के चाबी ऑन करो, ब्रेक दबा के सेल्फ मारो। ब्रेक ब्रेक आप सेल्फ मारो। ब्रेक दबा के हल्के एक्सीलेटर में सेल्फ मारो, बस छोड़ दीजिए। तो देख लिए मैकेनिक भाइयों, सिर्फ पिकअप कॉइल का गैप कम किए और गाड़ी हमारी एकदम इजीली सेल्फ से स्टार्ट है। देख लिए छोटे, एक बार और मारो तो तुम बढ़े सेल्फ। ब्रेक दबा लो और सेल्फ का उपयोग करो, बस मारो मारो बढ़िया से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक्सीलेटर लो, मारे बढ़िया से मारिए तो सेल्फ स्टार्ट हो जाना चाहिए जब। हाँ तो देख लिए कि हमारी गाड़ी एकदम इजीली सेल्फ से स्टार्ट हो चुकी है। मेन प्रॉब्लम इसके पिकअप कॉइल के डिस्टेंस का है। अब चलिए सारी चीज़ें असेंबल कर लेते हैं और एक बार आपको एंड में रिजल्ट दिखाएंगे कि परफेक्टली तरीके से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं।